दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे जो भी फिन निफ्टी में ट्रेड करता है तो उसको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी, और वो प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि आप जब भी ऑर्डर लगाते हो तो वो मार्केट ऑर्डर नहीं लगा पाते हो और वो लगता है लिमिट ऑर्डर में, जिससे कि आपका जो ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन है वो स्लो हो जाता है। तो आप अपने ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन को फास्ट कर सकते हो, मैं एक ऐसा सेटअप बताऊँगा आपके टर्मिनल पर कि वो सेटिंग करके आप अपना ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन फास्ट कर सकते हो, जिससे कि आप अपनी स्ट्राइक प्राइस को, मतलब जो आपको स्ट्राइक प्राइस चाहिए वो आपको स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगी। जैसे कि मान लो कोई कॉल आप बाय करते हो 47 का, और जब तक आप लिमिट ऑर्डर लगाते हो तो वो क्या है कि 47 से, मतलब 47 तक वो एकदम से बढ़ जाता है और वो 52-53 हो जाता है। तो इस तरह से क्या है कि आपका जो प्लान गड़बड़ा जाता है, जैसे कि आपको स्टॉप लॉस वगैरह बिगड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति मैं आपको क्या है कि थोड़ी स्पीड रखनी पड़ती है, तो ये पॉसिबल हो नहीं पाता है ऐप और वेब ब्राउज़र में। तो इसमें क्या है कि आप जो ट्रेडिंग टर्मिनल है उसमें आप अपने सेटिंग, अपने सेटअप को इस तरह से जमा सकते हो जो मैं अभी बता दूंगा। तो उस हिसाब से जमा के आप उसमें लिमिट ऑर्डर लगा के भी अपने ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन को फास्ट कर दोगे। तो कुल मिला के ये है कि आपको स्पीड रखनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से मैं आपको सेटअप बताता हूँ जिस पे आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करके भी अपने फिन निफ्टी में स्ट्रैडल, स्ट्रेंगल या फिर जो भी वन साइड ट्रेड जो भी लेना चाहते हो आप स्पीड में ले पाओगे, क्योंकि उसमें वन क्लिक पे आप उसको बाय और सेल कर सकते हो। मतलब आपको ज़्यादा उसमें मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, और आप अपना पूरा सेटिंग पहले से ही जमा सकते हो। जैसे कि अगर आप एक लोट में ट्रेड करते हो तो एक लोट में, 10 लोट में ट्रेड करते हो तो 10 लोट, जैसे मैं फिन निफ्टी में ज़्यादातर 10 लोट में या 8 लोट 10 लोट ऐसे में काम करता हूँ, तो उस हिसाब से आप पूरा सेटअप जमा सकते हो। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि वो सेटअप किस तरह से मैंने बनाया है। तो ठीक है, अपन ओपन करते हैं फिनवेसा का टर्मिनल। अब जैसे जिसने फिनवेसा में अकाउंट नहीं खुलाया हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप खुला सकते हो, ये फ्री ब्रोकरेज वाला है। तो अब इसमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, मतलब इसमें मेंटेनेंस फीस वगैरह कुछ भी नहीं, और ट्रेडिंग भी फ्री है, मतलब इसमें कोई आपका ब्रोकरेज नहीं लगता है। तो आप इसमें खुला सकते हो अगर, और इसमें अगर नहीं खुला रखा हो तो हर कंपनी का अपना अपना ट्रेडिंग टर्मिनल होता है, आप वो यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप सेटअप सेम जमा सकते हो जैसे कि मैंने जमाया हुआ। तो ठीक है, अपन इसको ओपन करते हैं। और ये मैंने इसमें बताया हुआ है आपको पिछले वीडियो में कि TOTP कैसे जनरेट करते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपका इसको लॉगिन करने में भी समय बच जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है कि पैन कार्ड के नंबर वगैरह डालने पड़ते थे तो उसमें टाइम लगता था। तो ठीक है, अपन डालते हैं इसमें। ठीक है, आप देख पा रहे हो ये इस तरह से खुलता है ट्रेडिंग टर्मिनल। इस प्रोसेसर को रन करने के लिए आपके PC में i3 प्रोसेसर कम से कम होना ही चाहिए लेटेस्ट जनरेशन का, और 4GB मिनिमम या 8GB रैम होनी चाहिए। अगर सेलरॉन प्रोसेसर है तो ये सही से वर्क नहीं करता, मतलब स्मूथ नहीं चलेगा। ओके गाइस, ये ओपन हो चुका है, और ये जो आप सेटअप देख रहे हो ये मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में यूज़ करता हूँ। अगर आपको इस तरह का सेटअप जमाना है तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से ये वाला वीडियो देख सकते हो। अगर आप ये ऑप्शन चेंज और ये जो नेट पोजीशन और ऑर्डर बुक और ये इंडेक्स आपको इसी एक ही स्क्रीन पे दिख जाएंगे। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। तो इसमें क्या फ़ायदा है कि इसमें क्या है कि यहाँ पे ब्लू बटन पे क्लिक करते हैं तो बाय हो जाता है, और ये ऑरेंज वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो सेल हो जाता है, और ये मार्केट ऑर्डर लगता है। चाहे तो अपन फिन निफ्टी में इस सेटअप से भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरा सेटअप भी ट्राई कर सकते हैं जो मैंने स्पेशल फिन निफ्टी के लिए बनाया हुआ है। तो इसमें और उसमें क्या अंतर आएगा, मेन प्रश्न ये है। तो भाई इसमें ये होता है कि इसमें एक बटन पे तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होता, मार्केट में ऑर्डर लगाने में कोई दिक्कत नहीं, पर फिन निफ्टी में लिक्विडिटी कम होने की वजह से उसमें लिमिट ऑर्डर ही लगते हैं, मार्केट नहीं लगते हैं। तो जैसे क्या होता है कि अपन इसमें जैसे कि F1 प्रेस करेंगे तो ये बाय हो रहा है, लेकिन ये पुट बाय कर रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर, तो ये सही से काम नहीं करता। और जैसे कि अपन यहाँ पर रख के F2 करते हैं, ये सेल हो रहा है लेकिन ये तब भी पुट को ही ले रहा है, मतलब ये कॉल को ले नहीं रहा है। तो इसका सलूशन अपन ने निकाला है कि अब मैं इसको हटा देता हूँ पूरे को, ये मैंने इसको पूरा हटा दिया। ठीक है, अब अपन शुरू से अपन चाहते हैं कि F1 F2 दबाने पे मतलब बाय सेल हो जाने चाहिए, वो भी लिमिट ऑर्डर के साथ। ठीक है गाइस, तो आप जो भी पहली बार खोलोगे ये इस तरह से प्लेन खुलेगा। अब अपन मैं शुरू से शुरुआत करके बताता हूँ। ये ग्रुप में जाएंगे, ये जो मैं सब डिलीट कर देता हूँ जो मैंने पहले से बनाए हुए हैं, तो ये मैंने सब हटा दिया। आप शुरू से स्टार्ट करते हैं। जो भी आप पहली बार टर्मिनल इंस्टॉल करोगे और खोलोगे तो ये बिल्कुल प्लेन और खाली खुलेगा। तो आप यहाँ पे जाओगे मार्केट में,
फिन निफ्टी के लिए बता रहा हूँ मैं, और ग्रुप में जाओगे और इसमें आप इंटर करोगे, जैसे कि अपन को कॉल एड करने ही पहले इसमें अलग से सेपरेट बनाएंगे अपन और कॉल और पुट, तो ये कॉल एड ग्रुप करेंगे तो ये कॉल एड हो गया, ऐसे अपन को यहाँ पे पुट भी ऐड करना है, ये पुट और ये अपन ने ऐड कर लिया, ठीक है गाइस। अब अपन क्या है कि अपने जो ट्रेडिंग व्यू पे देख लेंगे कि अभी इस समय अपनी फिन निफ्टी किधर चल रही है, और जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि फिन निफ्टी का क्या चक्कर है, फिन निफ्टी कौन सा इंडेक्स है, तो ये नया इंडेक्स है जिसकी एक्सपायरी मंगलवार को होती है। जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ कि मतलब इसमें आप एक सप्ताह में दो एक्सपायरी का फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। तो अभी अपन देख लेते हैं फिन निफ्टी चल रही है जैसे कि 19,300 के लगभग चल रही है ना, तो यहाँ पे NFO सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपन को क्या है कि स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी, इसलिए जो तीसरे नंबर का है ना OPTIDX ये सेलेक्ट रखना है, और यहाँ पे फिन निफ्टी ऑप्शन टाइप में अभी अपन कॉल की जोड़ रहे हैं तो ये कॉल रहेगा, और स्ट्राइक प्राइस अपन ले लेते हैं जैसे कि 19,300, ठीक है। और ये एक्सपायरी डेट अब जो इसकी नज़दीकी आने वाली 6 दिसंबर ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं 19,300, ठीक है। ये इंटर, तो ये इंटर दबाने से ऐड हो जाएगी। उसके बाद क्या है कि आप अपने एरो से इसको जोड़ सकते, मतलब ऐड कर सकते हो। ये इस तरह से आप अपनी मनपसंद स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो। और दूसरा ये है कि इतनी सारी चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होना, इसको आप हटा दोगे तो इसको हटाने के लिए अपन को ये जो ये बार देख रहे हो जो ये है ना एक्सचेंज सिंबल, तो ये इतनी सारी चीज़ें अपने काम की नहीं है इसमें ज़्यादातर, तो इसके लिए अपन क्या है कि ये जाएंगे और ये शो कॉलम चूज़र है, यहाँ पर जाने के बाद ये जितनी भी फालतू की चीज़ें सब हटा देंगे, अपन को सिर्फ एक्सपायरी डेट स्ट्राइक प्राइस रखनी है और ये बिट प्राइस आज का प्राइस चाहिए नहीं अपन को, इस पर अनचेक कर देंगे। LTP चाहिए, नेट चेंज नहीं चाहिए, ये भी हटा दो, ओपन आई से भी कोई मतलब नहीं है, इसको भी हटा देंगे, रिमार्क चाहिए प्रीवियस क्लोज से भी कोई मतलब नहीं, ये भी हटा देंगे। तो इस तरह से अपन पूरा इसको हटा देंगे, बस अपन को यही चाहिए सिर्फ LTP और ये स्कॉल ये सी, ताकि अपन को ध्यान रहे कि अपन गलत चीज़ नहीं ले ले, और ये स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी डेट, बस सेम के सेम यही प्रोसेसर अपन को पुट में भी करना है। तो पुट में जाएंगे, यहाँ पे फिर से NFO और यहाँ पे तीसरे नंबर का जो है OPTIDX रखना है, यहाँ पे फिन निफ्टी, और यहाँ पे अपन ऑप्शन टाइप में अब PE ले रहे हैं तो PE ले लेंगे, और ये 19,300 चल रहा है तो 19,300 और ये इंटर दबा देंगे तो ये ऐड हो गया। अब इसके बाद क्या है कि एरो बटन जो रहते हैं ना कीबोर्ड में, इससे अपने स्ट्राइक प्राइस आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जितनी भी आपको ऐड करनी हो, और उसके बाद वही सेम प्रोसेस ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये जो कॉल है इसको उठाकर माउस से मतलब इसको क्लिक ही रहने देना है, और ये जो आप देख पा रहे हो ये जो स्क्वायर एक खांचा जैसा आ रहा है ना डब्बा जैसा, इस पे यहाँ पर जाके आपको यहाँ पर जाके इसको छोड़ देना है, ठीक है। ये छोड़ते ही ये इस तरह से सेट हो जाएगा और आपको ये छोटा कर लेना है। इसी तरह अब ये पुट जो है इसको भी उठाना है कर्सर से, और ये यहाँ पर साइड में जाके ये रख देना है। और अब अपन को बस दो चीज़ और ऐड करनी है, ये ऑप्शन चेन एक तरह से आपकी बन चुकी है, इसको छोटी कर लेंगे यहाँ से। अब मैं इसका फ़ायदा बताता हूँ, मतलब अभी तक आप सोच रहे हो कि इतनी मेहनत क्यों करेंगे, इसका क्या मतलब है, तो वो मैं अभी बता दूँगा। बहुत से लोग मेरे से कमेंट करके पूछते हैं कि इसमें बास्केट ऑर्डर कैसे लगता है, तो देखो गाइस ये यहाँ पे ये जो ट्रेडिंग में जाके ये रहा बास्केट ऑर्डर, वैसे क्या है कि बास्केट ऑर्डर लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, पर फिर भी अगर जो इसका यूज़ करते हैं तो ये यहाँ से बास्केट ऑर्डर लगा सकते हैं। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल बी होता है, कंट्रोल प्लस बी बटन दबाओगे तो आपका बास्केट ऑर्डर क्रिएट हो जाता है। तो अपन को अब नेट पोजीशन लगानी है और एक ऑर्डर बुक लगानी है, ऑर्डर बुक ये, ठीक है। अब चाहो तो अपन ऑर्डर बुक को नीचे ऊपर ले लो, जहाँ लेना हो ये नीचे ले लेते हैं इसके यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप, तो ये सेटअप बन गया। लेकिन अब आप सोचेंगे कि इसका फ़ायदा क्या, और चार्ट का देखो, चार्ट
कहाँ पर देखोगे तो चार्ट इसमें बहुत घटिया सा दिखता है, ये अपने फिनवे टर्मिनल पे। तो चार्ट अपन को इसी पर ही देखना है, यहाँ पे जो अपने ब्राउज़र में अपन चार्ट देखते हैं ना, जैसे ये, चार्ट अपन को यहाँ पे देखना है। अभी मैं पूरा बता देता हूँ, जैसे कि आप फिर निफ्टी में, अब बात मेन बात यह है कि मतलब ये सेटअप बनाने का क्या फ़ायदा है। तो इसमें क्या है कि अब अपन सबसे पहले तो अभी पूरा सेटअप हुआ नहीं, इसमें सेटिंग पे जाएंगे, एक काम और करना रहता है, और ये ऑर्डर पे जाएंगे, और यहाँ पे ये जो ऑर्डर में जो है ना एनोको सेलेक्ट करेंगे, और ये जो मार्केट की बजाय लिमिट ऑर्डर लगा सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जैसे कि अगर आप एक लॉट में ट्रेड करते हो, मान लो अगर बिगिनर हो तो एक लॉट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, आपने मैनुअली रख सकते हो। वैसे मैं भी मैनुअली रखता हूँ, लेकिन अगर जो जिसका कंफर्म है कि वो 5 लॉट तो लेते ही लेता है, तो वो क्या है कि यहाँ पे क्लिक करके 5 लॉट सेलेक्ट कर सकता है। तो उसमें जब भी आप ऑर्डर पंच करोगे तो उसमें डायरेक्ट ही वो 5 लॉट खरीदेगा या बेचेगा, ठीक है, समझ गए। तो मैं मैनुअली डालना पसंद करता हूँ, तो मैं इसको खाली रहने देता हूँ, बाकी ये लिमिट ऑर्डर करके आप इसको अप्लाई कर दो। तो ये आपका पूरा सेटअप जम गया। अब क्या है कि जैसे कि आपको जो भी स्ट्राइक प्राइस जो आपको, जैसे कि आपको सेल करनी है, तो जैसे कि यहाँ पर लगा के सिर्फ एक बटन दबाना है, ये F1, तो इससे तो स्ट्राइक प्राइस होगी बाय। और अगर सेल करनी है तो इसी पे कर्सर रख के आप F2 दबा के, और ये जो खुलेगा जैसे ही, इस पर बस इंटर दबाना है आपको, ये लिमिट ऑर्डर ही सही, मतलब आपका ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि मतलब आज आप ये वीडियो देख के इंस्टॉल करो, इस तरह से बना लोगे तो प्रोफेशनल की तरह बन जाओगे, तो ऐसा नहीं है, इसमें प्रैक्टिस हर चीज़ की करनी पड़ती है। तो मतलब ये क्या है कि इसमें आप F2 दबाओगे तो इसमें बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, और यहीं पे आप ये F2 F1 F2 F1 इस तरह से बाई सेल इसको कर सकते हो। तो ये आपके लिए क्या है कि आपका ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन जितना फास्ट रहेगा, आप जितने एक्यूरेट अपनी स्ट्राइक प्राइस को पकड़ पाओगे। वरना क्या है कि इसमें आपको पता ही होगी, जो फिन निफ्टी में ट्रेड करते हैं, कि जैसे कि 217 चल रही, जब तक आप लिमिट ऑर्डर लगाते हो ये 218 हो जाती है, तो वो 217 का ऑर्डर आपका पेंडिंग ही रह जाता है, और वो स्ट्राइक प्राइस बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। तो वो क्या है कि मूवमेंट आप कैप्चर कर नहीं पाते हो, इसी वजह से फिन निफ्टी में बहुत सारे लोग इसमें ट्रेड ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये पसंद नहीं आता इसी वजह से। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी आप नहीं खोना चाहते हो, तो ये आप इस तरह से ट्रेडिंग सेटअप आपका जमा के ट्राई कर सकते हो, और चाहो तो जैसे कि जो मैंने पहले सेटअप बता रखा उसमें भी कर सकते हो। आपको ऑर्डर पे लिमिट रखना है और कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा स्लो पड़ जाता है वाला सेटअप। फिर निफ्टी के लिए ये वाला सेटअप बेस्ट है, और अगर चार्ट देखना है तो आप वही इसको मिनिमाइज़ कर सकते हो, और इसको यहाँ पे रख के और चार्ट यहाँ से देख सकते हो। और ये जो छोटा चार्ट दिख रहा है, तो ये शिफ्ट ऐप के साथ बड़ा हो जाता है। आपकी जो भी ट्रेड लाइन वगैरह ड्रॉ करनी हो, यहाँ से पहले ड्रॉ करो और स्केप दबा के बाहर आ जाओ, और बाकी आप यहाँ पे जो भी आपको स्ट्राइक प्राइस ये दिख ही रही है यहाँ पे, ये इस तरह से आप यहाँ पे, जैसे कि मान लो ये 19,650 को सेल करना हो, तो बस F2 दबाना है तो सेल हो जाएगी, F1 दबाओगे तो बाय हो जाएगी। तो ठीक है गाइस, आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। थैंक यू गाइस। नाइस।